हर कांग्रेस भी करने वाली है यात्रा। रायपुर से अपडेट आपको बता दें, महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस का बड़ा आयोजन, एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय भरोसे की यात्रा का आयोजन कांग्रेस करने जा रही है। प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें लेकर गांव गांव पहुंचा जाएगा। ये यात्रा पहुंचेगी छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव की जिम्मेदारी, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव रायगढ़ सरगुजा की जिम्मेदारी, पीसीसी चीफ दीपक बैज बस्तर और कांकेर पहुंचेंगे। दुर्ग और बिलासपुर की कमान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के पास होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरबा जांजगीर चांपा की जिम्मेदारी संभालेंगे। रायपुर महासमुंद का जिम्मा रहेगा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डेहरिया के ऊपर। और अब खबर दुर्ग से, चोरी का 18 किलो सोना बरामद किया गया और इस बरामद सोने की कीमत 25 करोड़ रुपए है। करोड़ों की चोरी करने वाला चोर भी गिरफ्तार है। भिलाई के कोहका से आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तार अब इसके दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आरोपी ने दिल्ली में भी बड़ी चोरी की थी, भिलाई के पारक ज्वेलर्स में भी चोरी की थी। करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया था। माना यह जा रहा है कि पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। करोड़ों की चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार, दिल्ली से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। दिल्ली में भी इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। करोड़ों की चोरी का यह मामला है। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सोना ग्राम में नहीं मिला है, एक ग्राम, 50 ग्राम, आधा किलो नहीं, 18 किलो सोना इसके पास से बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत है तकरीबन 25 करोड़। भिलाई के कोहका से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पारक ज्वेलर्स, भिलाई का जो पारक ज्वेलर्स है वहां पर इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन जब पूछताछ हुई, तार खंगाले गए, कनेक्शन खंगाले गए, पूछताछ हुई, तो पता चला दिल्ली में भी एक चोरी इसने की है। खबर उज्जैन से, जहां नाबालिग से हैवानियत के मामले में आरोपी के केस की पैरवी कोई वकील नहीं करेगा, बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि कोई भी वकील आरोपी की तरफ से पैरवी नहीं करेगा। तो जैन का यह मामला जो लगातार सनसनी मचाता रहा, उज्जैन से लेकर पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश तक, अब इस मामले में यह अपडेट, आरोपी के केस की पैरवी बार एसोसिएशन नहीं करेगा। और आपको बता दें, इससे पहले इस रेपकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और यह भागने की फिराक में था। भागने की इसने कोशिश भी की, उस दौरान यह गिरकर घायल भी हो गया। तकरीबन 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का ये पूरा मामला, आरोपी की तलाश की जा रही थी। एक अच्छी बात यह भी कि अब इस बच्ची का जो पीड़ित है उसका पूरी देखरेख का खर्च महाकाल थाने के TI उठाएंगे। पढ़ाई लिखाई से लेकर सारी जिम्मेदारी उन्होंने बच्ची को गोद लेने की बात कही है। और नाबालिग से रेप मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि मामले पर उनकी पैनी नजर है, हर घंटे का अपडेट उनके पास है और कठोरतम दंड आरोपी को दिया जाएगा, दोषी को दिया जाएगा। तो उज्जैन का यह मामला, रेप के आरोपी को आखिरकार पकड़ लिया गया है, ऑटो जब्त कर लिया गया है, पुलिस ने एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए हैं। अपडेट ये भी एक मिल रहा है कि सह आरोपी भी इस मामले में एक सामने आ रहा है, साक्ष्य छिपाने को लेकर, हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक की नहीं गई है। और अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि कठोरतम दंड इसे दिया जाएगा। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था, इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से
हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। इधर बिलासपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई और इसके बाद एक पक्ष के तकरीबन 12 लोग घायल हो गए। मामला तोरवा थाना इलाके के कैलाश नगर का है। बताया जा रहा है कि लड़कियां छेड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, वो मारपीट के रंग तक पहुंच गया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, लाठी डंडे तक चल गया। उसका अब सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये मामला लाठी डंडों से मारपीट तक पहुंचा। मारपीट के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। और ये एक नया सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो मारपीट करने के दौरान का सामने आया है। खबर बलरामपुर से, जहां झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिली है। कोटसरी के जंगल में झाड़ियों के पास इसके रोने की आवाज लोगों ने सुनी और उसके तत्काल बाद इस बच्ची का रेस्क्यू किया गया। बच्ची का रेस्क्यू करने के बाद जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। उपचार इसका लगातार चल रहा है, डॉक्टर्स लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि बच्ची के परिजनों के बारे में कोई जानकारी लग सके और फिर जो अनसुलझे सवाल है उन्हें सुलझाया जा सके। तो बलरामपुर का ये पूरा मामला है, झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली। कोटसरी के जंगल में झाड़ियों में इस नवजात को छोड़ दिया गया था, इस बच्ची का रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके रोने की आवाज स्थानीय लोगों ने सुनी और तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस फिलहाल ये तलाश कर रही है कि आखिर इस बच्ची को यहाँ छोड़कर कौन गया। परिजनों की तलाश की जा रही है। परिजनों की तलाश किए जाने के बाद काउंसलिंग उनकी होगी, समझाया उन्हें जाएगा। कानूनी कार्रवाई दूसरी तरफ है, लेकिन काउंसलिंग के जरिए उन्हें समझाया जाएगा कि वो बच्ची को वापस लें। अगर परिजन नहीं मानते हैं तब इस बच्ची को जो केंद्र होते हैं, बाल केंद्र होते हैं, वहां पर इस बच्ची को रखा जाएगा, इसकी देखरेख की जाएगी। नवजात की हालत स्थिर है, फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर्स की टीम लगातार इसे मॉनिटर कर रही है। झाड़ियों में ये नवजात बच्ची मिली थी, अब आसपास के इलाके में पूछताछ की जाएगी, पतासाजी की जाएगी, लोगों से पूछा जाएगा, जानकारी इसके बारे में जुटाई जाएगी। लेकिन सवाल ये भी, वो कौन सी सामाजिक व्यवस्था है जो माँ को अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह से झाड़ियों में छोड़ने के लिए मजबूर करती है, सवाल ये भी। सीधे लिए चलते हैं खरगोन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं।